मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर की सभी बड़ी खबरों का। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्याय प्रणाली पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक दिव्यांग बच्चों की कमजोरियों को समझे और उन पर कार्रवाई करे। दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ भौतिक पहुँच के मुद्दों से कहीं अधिक है। हाई प्रोफाइल डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। बता दें कि उन्हें कुछ दिन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। फर्रुखाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से स्थिति भयावह हो गई है। इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आश्वस्त किया है कि बिहार में भारी बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने टूटी सड़कों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कल सुबह 6 बजे सीएम आतिशी सहित सभी मंत्री सड़कों पर उतरेंगे। सभी नेता 1400 किलोमीटर की सड़क का निरीक्षण करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनकी तबीयत में सुधार है। बता दें कि सीएम मान को बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 पन्नों का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसे चंडीगढ़ में चुनाव ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जारी किया। दोस्तों आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और उस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्द से कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। आतंकी संगठन हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को इजराइल ने हवाई हमले में मौत के घाट उतार दिया है। नसरल्ला की मौत के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब हमारा बदला चुकता हुआ है। उधर चीन हसन नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्ला के साथ ही खड़ा दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो गए हैं। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को मंत्री से पदोन्नत कर राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हिजबुल्ला की मौत पर जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर भड़काऊ पोस्ट शेयर किया तो सख्त कार्रवाई होगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले बीआरएस विधायक दानम नागेंद्र के अयोग्यता पर 4 हफ्ते में सुनवाई कर निपटाने के निर्देश दिए हैं। केरल हाईकोर्ट ने माता पिता द्वारा विरोध प्रदर्शनों में छोटे बच्चों को ले जाने के बढ़ते चलन पर चिंता जताई है। कहा कि बच्चे धरना प्रदर्शन सत्याग्रह आदि का उद्देश्य नहीं समझते हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने बहरामपुर में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर चिकित्सकों को घेराव की धमकी दी है। उनके इस बयान से यहां विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में थाने अपराध शाखा की कल्याण इकाई ने 3 लोगों को गिरफ्तार की और 6.20 करोड़ रुपए मूल्य की 5.6 किलोग्राम एम्बर ग्रीस वेल की उल्टी जब्त की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देश में एमएसएमई के लिए अपने योगदान के लिए लघु उद्योग भारती की प्रशंसा करते हुए कहा कि संगठन देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान की सराहना की। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जिक्र करते हुए 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की उपलब्धि को जन भागीदारी का उदाहरण बताया। लहसुन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, जो दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी सहायता करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। इसलिए आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उत्तराखंड के 15 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कम छात्र संख्या के कारण 15 ब्रांच बंद होने जा रही है। इनमें से अधिकांश तकनीकी संस्थान कुमाऊं मंडल में है। झारखंड के गिरिडीह में 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसे झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली राशि एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने कहा कि खेलों को नया आयाम देने के लिए हम सब मिलकर टीम भावना के साथ काम करेंगे। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर के प्रसाद को जूठा करने के कांग्रेस के आरोपों के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि महाकाल के प्रसाद को कोई जूठा कर दे, यह किसी की हिम्मत नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। हिमाचल में मस्जिद के अवैध निर्माण व उसके बाद उपजे विवाद को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा की व उन्हें स्थिति से अवगत करवाया। जम्मू कश्मीर में हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला की मौत पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर कर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने विवादित नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कहा कि अब हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। दोस्तों मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम को हौसला बुलंद करता है। और हम रोजाना ही ऐसे दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं, तो इतिहास दिन भर की बड़ी खबरें ऐसे ही खबरों में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।